Good morning to one and all. I'm Sachin Gupta from Choice Equity Broking Private Limited, and this is the morning podcast for the commodity market. कल इक्विटी मार्केट में डाउनफॉल के बाद में एमसीएक्स बाजार भी पीछे नहीं रहा. कल एमसीएक्स मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कमोडिटीज के अंदर एक नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए नजर आए. क्रूड के अंदर करीब 1.5% की गिरावट के साथ में 3615 के आसपास में क्लोज होता हुआ नजर आया. वहीं गोल्ड के अंदर भी 1% की गिरावट देखने को मिली. सिल्वर के अंदर कल 2.5% की गिरावट के साथ में करीब 46,000 के आसपास में प्राइस क्लोज होते हुए नजर आए. वहीं नेचुरल गैस के अंदर वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिला. 2% की गिरावट के बाद में करीब 131.10 के आसपास में प्राइस क्लोज होते हुए नजर आए. बेस मेटल्स की बात की जाए तो बेस मेटल्स के अंदर भी कल डाउनसाइड का मोमेंटम ही कंटिन्यू रहा. कॉपर ऑलमोस्ट 1% डाउन था. निकल के अंदर करीब 0.5% की गिरावट थी. वहीं लेड की बात की जाए तो करीब 2% की गिरावट लेड मिनी के अंदर देखने को मिली. एल्यूमिनी जिंक सभी काउंटर्स जो है वो कल डाउनसाइड में ट्रेड करते हुए नजर आए. आज के ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में अभी इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स गोल्ड अराउंड 1580 के आसपास में टिका हुआ है. वहीं सिल्वर जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है 18 डॉलर का, जो कि मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है. आज के ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है एक बार गोल्ड सिल्वर के अंदर डाउन साइड मोमेंटम ही कंटिन्यू रह सकता है. तो अगर प्राइजेस जो है गोल्ड के 40,750 के आसपास में ओपन होते हैं तो वहां से शॉर्ट करने की सलाह रहेगी. अपसाइड में जो एक रेजिस्टेंस रहेगा आज के लिए वो 40,950 का रहेगा. वहीं डाउन साइड के अंदर जो है 40,500 तक के टारगेट जो है गोल्ड में देख सकते हैं. कम टू द सिल्वर, सिल्वर के अंदर भी डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है. 46,100 के अराउंड अगर प्राइसेस ओपन होते हैं तो वहां से शॉर्ट करने का सजेशन रहेगा. अपसाइड में 46,450 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और डाउन साइड में 45,600-45,500 तक के टारगेट जो है आज इंट्राडे में एक बार सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं. बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स के अंदर मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने को मिल सकता है. बिकॉज कॉमेक्स के अंदर जो कॉपर है वो अराउंड 1.5% की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा है. अराउंड 2.547 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. तो मुझे लग रहा है बेस मेटल्स के अंदर एक लोअर लेवल से एक पुलबैक देखने को मिल सकता है. कॉपर के प्राइसेस अगर अपसाइड में 422-423 के आसपास में ओपन होते हैं तो वहां से बाय करने का सजेशन रहेगा. डाउन साइड में 420 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड में मुझे लगता है आज के दिन में 426-428 तक के टारगेट्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं. वहीं क्रूड की बात की जाए तो क्रूड के अंदर अभी मुझे लगता है डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. 3500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट का है जो कि मार्केट टेस्ट कर सकता है. तो 3615-3620 के आसपास में अगर प्राइसेस ओपन होते हैं तो वहां से शॉर्ट करने के सजेशन रहेगा. 3670 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और डाउन साइड में 3530 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं. तो ये जो लेवल्स दिए हुए अकॉर्डिंग टू दिस लेवल्स आप ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट. थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशंस.